ये हमारे सोलर सिस्टम का पांचवा प्लैनेट है और ये गैस का बना हुआ एक बहुत बड़ा गोला है। ये ऐसा प्लैनेट है जिसकी सतह का आज तक किसी को पता ही नहीं लग सका। इस प्लैनेट का नाम जुपिटर है। जुपिटर एक गैस जाइंट है। गैस जाइंट मीन्स ये गैस का बना हुआ बहुत बड़ा गोला है। ये इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन यानी अर्थ से 11 गुना बड़ा है। यानी हमारी ज़मीन को अगर 11 दफ़ा मिलाया जाए तो फिर एक जुपिटर बनता है। जुपिटर का ज़्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी जुपिटर की कोई सरफेस यानी ज़मीन नहीं है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा चांद हैं। अभी तक के नॉलेज के मुताबिक जुपिटर के 79 मून्स डिस्कवर हो चुके हैं। जुपिटर इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर इसमें हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स और तमाम मून्स भी आ जाएं, तो फिर भी इसमें कुछ जगह बच जाएगी। और वजन के हिसाब से भी अगर हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स दो दफ़ा एक पलड़े में डाल दिए जाएं और जुपिटर को दूसरी तरफ डाल दिया जाए, फिर भी प्लैनेट जुपिटर का वजन तमाम प्लैनेट से ज़्यादा होगा। ये जाइंट प्लैनेट हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए एक ढाल का काम करता है। साइंटिस्ट ने ज़मीन से खला में एक टेलीस्कोप भेजी हुई है। इस टेलीस्कोप का नाम हबल टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का काम दूर सियारों और कहकशाओं को ढूंढना है। जुलाई 1994 में इस टेलीस्कोप ने एक बहुत ही अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा मीलों में फैला हुआ पत्थर तेजी से उड़ता हुआ हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा है। अगर ये पत्थर हमारे प्लैनेट अर्थ से टकरा जाता तो शायद ये सब कुछ ख़त्म कर देता। लेकिन प्लैनेट अर्थ और इस पत्थर के दरमियान में जुपिटर था, जिसने अपनी बेपनाह कशिश की वजह से इस पत्थर को अपनी तरफ खींच लिया। जुपिटर की ग्रेविटी ने पहले तो इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और यही टुकड़े 16 जुलाई 1994 को 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ते हुए जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं। पत्थरों की बम्बार्टमेंट इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि जुपिटर का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इसके बाद और मजीद मुशाहिदात से साइंटिस्ट को पता लगा कि जुपिटर हमें ऐसे बहुत से पत्थरों से बचाता रहता है। आज से तकरीबन 5 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में एक सितारा फटा। सितारे फटने का अमल कहकशाओं में या गैलेक्सीज में हर वक्त जारी रहता है। ये भी एक इसी तरह का अमल था। तो इस सितारे के फटने से जो गैस और जो धूल वजूद में आई, वो एक दायरे में घूमने लगी। इस दायरे का सेंटर यानी मरकज इस अमल से गर्म तर होता चला गया और हमारा सूरज बन गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे सूरज की उम्र तकरीबन 5 अरब साल है। लेकिन हुआ ये कि सितारा फटने से अभी भी कुछ गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स हरकत कर रहे थे। यानी सितारा फटने से जो मादा वजूद में आया था उसका भी काफ़ी हिस्सा बचा हुआ था। तो ये भी दायरे में घूमता घूमता एक जिस्म में तब्दील हो गया, जिसका साइज सूरज से तो छोटा था लेकिन इसकी तमाम खसूसियात सूरज से मिलती थी। ये जुपिटर था और इसमें सूरज ही की तरह हाइड्रोजन और हीलियम की मकदार 99% से भी ज़्यादा थी। सूरज और जुपिटर बनने के बाद जो मादा बचा था, इस बचे हुए मादे से ही हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स, चांद और मीटरॉइड्स वगैरह बने। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट सबसे पहले बना वो जुपिटर ही था। जुपिटर के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए 5 अगस्त 2011 को जियोनो मिशन लॉन्च किया गया। ये मिशन नासा की तरफ से लॉन्च किया गया था। जुलाई 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। जियोनो स्पेसक्राफ्ट ने यह फासला 5 साल में तय किया, लेकिन अगर ये एक कमर्शियल जेट की रफ्तार से उड़ता तो यही फासला पूरा करने में इससे 342 साल लग जाते। साइंटिस्ट के मुताबिक जब जियोनो जुपिटर के पास पहुंचा तो जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी रफ्तार तकरीबन 2,50,000 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई। जुपिटर का एक दिन 10 घंटे का होता है, जबकि जुपिटर का एक साल 4,333 दिनों का होता है। अब जियोनो स्पेसक्राफ्ट का काम जुपिटर के गिर्द 37 चक्कर लगाना और मालूमात इकट्ठी करना था।
इन चक्रों का कुल फासला तकरीबन 2 अरब 80 करोड़ बनता है, जो कि ज्यूना ने पूरा किया। लेकिन हम अपने किसी मिशन को जुपिटर की सरफेस पर उतार ही नहीं सकते, क्योंकि जुपिटर की तो कोई सरफेस ही नहीं है। ज्यूनो से पहले नासा की तरफ से 1989 में गैलीलियो मिशन लॉन्च किया गया था। ये मिशन तकरीबन 6 साल बाद 1995 में जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल होता है। गैलीलियो मिशन का असल मकसद जुपिटर के एटमॉस्फेयर और उसके 3 मेजर मून्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करना था। गैलीलियो मिशन ने हमें जुपिटर के बारे में बहुत अहम मालूमात फ्राहम की और 21 सितंबर सन 2003 को वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर जलकर खत्म हो गया। जिस वक्त गैलीलियो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, इस वक्त उसकी रफ्तार 10,08,000 किलोमीटर पर आर थी। इन मिशन से हमें पता लगा कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है। हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल सरवाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर में जाना चाहें तो हमें एक ऐसा स्पेस सूट चाहिए होगा जिसमें ऑक्सीजन अनलिमिटेड हो, क्योंकि जुपिटर का डायमीटर तकरीबन 1,43,000 किलोमीटर है। जुपिटर की कशिश इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसके एटमॉस्फेयर में उतरेंगे तो ये 1,77,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आपको अपनी तरफ खींचेगा। जब आप जुपिटर में 21,000 किलोमीटर नीचे उतरेंगे तो वहां पर एक ऐसा मकाम आएगा जहां पर दर्जा हरारत सूरज की सतह से भी ज्यादा होगा। ज्यूनो मिशन ने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई। इसने हमें बताया कि जुपिटर की एक साइड पर तो इंतहाई गर्म गैसेस हैं, जबकि दूसरी तरफ प्लैनेट जुपिटर पर आइस मौजूद है। और प्लैनेट जुपिटर के पास कौन सी ऐसी चीज मौजूद है जिस पर हबल टेलीस्कोप ने पानी के बुखारात देखे हैं? जुपिटर के वो मून्स जिन पर साइंटिस्ट सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं वो 4 हैं, जिनके नाम यूरोपा, आयो, कैलिस्टो और गैनीमेड हैं। इनमें वो चांद जो सबसे खूबसूरत और चमकदार है उसका नाम यूरोपा है। यूरोपा की सतह पर बर्फ मौजूद है और साइंटिस्ट के मुताबिक शायद हमें इस सतह से नीचे जिंदगी के कोई आसार मिल सके। हमारी अर्थ पर जिंदगी इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये ना तो सूरज से इतना ज्यादा करीब है कि सूरज की रेडिएशन हमारी जमीन से सारा पानी और एटमोसफेयर खत्म कर दे, और ना ही इतनी ज्यादा दूर है कि यहाँ पर बेपनाह सर्दी हो और सूरज की रेडिएशंस ना होने के बराबर हो। सूरज एक सितारा है, और अगर किसी भी सितारे के करीब ऐसा प्लेनेट मौजूद है जिस पर ना तो ज्यादा सर्दी हो और ना ही ज्यादा गर्मी, उसे इस सितारे का हैबिटेबल जोन कहते हैं। बस शर्त ये है कि यह प्लेनेट चट्टानों से बना हुआ हो, ना कि गैसेस से। तो अगर किसी भी सितारे के करीब हैबिटेबल जोन मौजूद है और वहां पर एक चट्टानी प्लेनेट मौजूद है तो बहुत चांसेस हैं कि वहां पर बहता हुआ पानी मौजूद होगा, और जहां पर बहता हुआ पानी मौजूद हो वहां पर जिंदगी के बहुत ज्यादा आसार होते हैं। तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अरबों सितारे मौजूद हैं और इनके पास हैबिटेबल जोन्स भी मौजूद हैं। साइंटिस्ट की तरफ से भेजी गई केपलर टेलीस्कोप के मुताबिक सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में तकरीबन 20-50% सितारे ऐसे हैं जिनके पास हैबिटेबल जोन मौजूद है, और इनके हैबिटेबल जोन में चट्टानी प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। और इसी टेलीस्कोप की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में तकरीबन 40 अरब ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो हैबिटेबल जोन में हैं। जब साइंटिस्ट गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ रहे होते हैं जहां जिंदगी का कोई इम्कान हो, तो वो ऐसे प्लैनेट्स को ही ढूंढते हैं जो हैबिटेबल जोन में मौजूद हों। तो हमारी अर्थ यानी जमीन पर पानी इसलिए मौजूद है क्योंकि ये हैबिटेबल जोन में मौजूद है। प्लैनेट मार्स पर भी पानी मौजूद है, लेकिन वो हैबिटेबल जोन से थोड़ा दूर है, इसलिए उस पर पानी जमी हुई फॉर्म में है। लेकिन हैबिटेबल जोन से करोड़ों किलोमीटर दूर जुपिटर के इस चांद पर कैसे साइंटिस्ट को उम्मीद है कि पानी होगा या जिंदगी होगी? सन 1905 से 1973 के दरमियान एक साइंटिस्ट जेरार्ड क्यूपर ने जुपिटर के चांद यूरोपा का एक टेलीस्कोप की मदद से बहुत दफा मुताला किया। यूरोपा के बहुत ज्यादा मुशाहिदात के बाद इस साइंटिस्ट ने एक पेशगोई की कि यूरोपा की सतह के नीचे पानी मौजूद है। ये साइंटिस्ट अपने दौर का ग्रेट एस्ट्रोनॉमर था। इसने इंसान के चांद पर जाने से बहुत साल पहले एक पेशगोई की थी कि चांद की सतह की मिट्टी बारीक बर्फ के जरात की तरह होगी। इसने मार्स के बारे में ये पेशगोई की थी कि मार्स के पोल्स पर जमी हुई जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड नजर आती है वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि जमा हुआ पानी है। कई साल बाद जब साइंटिस्ट ने इन जगहों पर अपने मिशन भेजे तो इसकी ये पेशगोईयां सही साबित हुई। 1973 में एक फ्लाई बाय मिशन पायोनियर 10 दूर सियारों को खोजने के लिए निकला।
इस मिशन ने जुपिटर के एक मून यूरोपा की कुछ तस्वीरें बनाई। इन तस्वीरों में देखा गया कि यूरोपा कहीं से कम चमकदार था और कहीं से ज्यादा चमकदार था। इसके बाद एक और मिशन वॉयेजर 1 ने यूरोपा की ये तस्वीर भेजी। इस तस्वीर से ये जाहिर हो रहा है कि यूरोपा की सतह पर मोटी लंबी लाइनें मौजूद हैं, लेकिन ये पिक्चर थोड़ी मध्यम थी, इसलिए मजीद जानकारी के लिए इसके कुछ अरसा बाद ही वॉयेजर 2 मिशन भेजा गया और इस मिशन ने जुपिटर के चांद यूरोपा की क्लियर पिक्चर्स भेजी। ये पिक्चर्स इतनी ज्यादा क्लियर थी कि यूरोपा की सतह पर ऊंची ऊंची लंबी लंबी सुर्ख रंग की लाइनें नजर आ रही थी। इन पिक्चर्स से हमें ये पता लगा कि यूरोपा की सतह पर कोई पहाड़, आतिशफिशां या गड्ढे मौजूद नहीं है, और साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि जुपिटर के चांद यूरोपा के सतह के नीचे कोई लिक्विड मौजूद है। इसके बाद नासा का मिशन गैलीलियो प्रो 1989 में जुपिटर पर गया। इस मिशन ने जुपिटर के अलावा इसके एक चांद यूरोपा के गिर्द भी 11 चक्कर लगाए। इसमें कुछ चक्करों के दौरान गैलीलियो यूरोपा से सिर्फ 201 किलोमीटर ऊपर था। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट ने ऐसी काफी तस्वीर बनाई जिनमें हमें यूरोपा पर पानी के काफी शवाहिद मिले, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक इतनी हमवार तय सिर्फ इसी वजह से हो सकती है कि इसकी सतह के नीचे कोई लिक्विड मौजूद है। साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप के जरिए जुपिटर के चांद यूरोपा की सतह से कुछ फूटता हुआ नोट किया। ये पानी के फवारे थे जो यूरोपा की सतह को चीरते हुए बाहर निकल रहे थे। अब साइंटिस्ट को ये तो कन्फर्म हो गया था कि यूरोपा की सतह पर लिक्विड मौजूद है, लेकिन क्या ये H2O ही है? क्या ये वही पानी है जो हम दुनिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके बाद 17 दिन तक इस मून पर मौजूद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का मुशाहदा किया जाता रहा। शाहिदात से पता लगा कि जब इन मॉलिक्यूल्स पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये भी वो खास इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज करते हैं जो जमीन पर पानी के मॉलिक्यूल्स करते हैं। इससे काफी हद तक ये साबित हो गया था कि हो ना हो ये पानी के मॉलिक्यूल्स ही हैं। इसके बाद हबल टेलीस्कोप ने भी ऐसी काफी तस्वीरें भेजी जिनमें यूरोपा की सतह से पानी के फवारे फूट रहे थे।